राजा कुलंत के यहाँ राजा कुलंत उसको लेकर चले जाते हैं। राजा कुलंत राजा दीवान को कर दिया करते, लेकिन किसी कारण से लेट हो जाते हैं। राजा दीवान खुद चल के राजा कुलंत की नगरी में पहुंच जाते हैं। जब देखा सुनागर भाई के वह बम्फर बेरा है, बम्फर पाट दिया। राम तो बैठक आ गए ना, मैं भी आगे नहीं तो समार दिया रुगना छाड़ा पड़ता होगी दे। सुसरा तेरा ले है बेटे, जो शाम शाम का लाग रहा है या ऐसा बता ना। दो एक मुक्के उठाओ मार देना, घर क्या रोटी बच जाएंगी। बस चला जा गाइड, बस आ जाओ प्रधान जी। जब राजा दीवान राजा कुलंत की नगरी में पहुंचे, जब देखा कि भाई लड़का चंद्रहास तो जीवित है, वहां फिर एक चाल चलता है। अपने लड़के मदन के नाम से एक चिट्ठी लिखता है कि बेटे इस लड़के चंद्रहास को तेरे पास में भेजूंगा और तू तो इसको विष दे देना। वो लड़का चंद्रहास राजा दीवान की दई हुई चिट्ठी को लेकर वापिस राजा दीवान की नगरी में पहुंच जाता। आर्या थक्या हुआ एक बाग दिखाई दिया, मन में विचार करता है कि विश्राम करूंगा यहाँ। घोड़े को बांध के विश्राम करने के लिए जमीन पर लेट जाता है। आंखें लगी, सपना आता, उस सपने में लड़के चंद्रहास को क्या दिखाई दिया, क्या लिखा एक बात में क्या था?
بڑھیا پرانی طرح جی ہلو ہلو ماسٹر جی بڑے چاو سے گا کرتے تھے اس طرح جی ہلو ہماری بات چاپ سنگھ کے قصے سے کہ جس سمے اس چاپ سنگھ کو پھانسی کا آرڈر ہو جاتا ہے اس سے پوچھا گا کہ بھئی آپ کی کوئی آخری خواہش ہے کہ بادشاہ سلامت اپنی جنم بھومی کو آخری بار پرنام کرنا چاہتا ہوں چاپ سنگھ جب اپنے گاؤں پہنچے اس کے آون کا بیرا پاٹیا ورسومتی آرتے کا تھال سجا کر دروازے پر کھڑی ہو جاتی ادھر جب اس چاپ سنگھ نے سومتی کو دیکھا اس کے سامنے آیا تو اس آرتی کے تھال میں ٹھوکر مار دی اور نکے لگ رہے بے ایمان کتنا آر تک رہے ہیں کچھ بھی نہ چھوڑ دیں کیسے ایک بات کے دوارا یہ کہنے لگا کیا بتا پڑھ لے
जब ये इतनी बातें सपने के अंदर दिखाई दी एकदम से आंखें खुल गई उठकर चारों तरफ देखता है मन में विचार करता है कि भाई तेरे साथ में धोखा बढ़ गया फिर विचार किया कि देख किस किस के घर धोखा होया क्या लिखा आखिरी नंबर पर खोलियो दो दो रा